हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इफ एंगल ऑफ रिपोज इज फाई द कॉन्स्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर मैंने शो भी कर दिया है कि ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि इस प्लेन के जो अलोंग एम जी साइन फाई लग रहा होगा और इसके अपोजिट हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। तो उससे पहले गाइस हम देख लेते हैं कि एम जी साइन फाई कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला एंगल फाई है और हमने कंसिडर किया है कि जो ये वाला ब्लॉक है इसका मास है एम और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, या मैं कह सकता हूँ जो वेट लग रहा है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं इस एम जी के ना दो कंपोनेंट ड्रॉ करूँगा, एक होगा हमारा इस वाली डायरेक्शन में और एक होगा मेरा इस वाली डायरेक्शन में जो कि ये एम जी साइन फाई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कंपोनेंट है ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो अब हमारा टारगेट होगा कि ये वाला कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैं यहाँ पहले बता देता हूँ, यहाँ इसकी वैल्यू होगी एम जी कोस फाई। अब आप सोच रहे होंगे कि एम जी कोस फाई कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर इसको कोस फाई होना है तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा ये फाई होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये एंगल फाई कैसे है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा गाइस कि अभी के कुछ टाइम के लिए मैं इस वाले एंगल को मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्स मान लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें जो ये वाला एंगल है ये फाई है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल फाई है तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये होगा गाइस 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। ये वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री माइनस फाई। और आप इसी डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि जो ये हमारे दोनों कंपोनेंट थे एम जी कोस फाई और एम जी साइन फाई, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक्स प्लस 90 डिग्री माइनस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि जो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और जब ये हमारा माइनस फाई राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्स है वो फाई के इक्वल है, इसीलिए ये जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एम जी कोस फाई, ठीक है। और ये वाली हो जाएगी एम जी साइन फाई, ये वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी एम जी साइन फाई। अब गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये गाइस इरेज कर दिया है। तो गाइस अब हमें क्वेश्चन में कह रखे हैं कि एंगल ऑफ रिपोज ऑफ आई, और हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो होता है वो मिनिमम एंगल जिस पे जो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखे वो स्लाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो गाइस हमें पता है कि अगर उस वाले एंगल से थोड़ा कम एंगल होगा तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, बॉडी ने स्लाइड करना शुरू नहीं किया, लेकिन उस वक्त जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और हमें पता है कि उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तभी आप गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ना लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लिख रखा है, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, म्यू एस एम जी कोस फाई, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है यही जो है ना वो एम जी साइन फाई को बैलेंस कर रही होगी, क्योंकि अगर हमने अब उससे भी थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। उससे पहले उस वाले एंगल से पहले तो गाइस जो एंगल था उस पर क्या था कि जो एफ एल है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो मेरी एम जी साइन फाई को बैलेंस कर रही थी। और गाइस हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। यहाँ पे हमें कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ म्यू की जगह पुट कर दूंगा म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम जी साइन फाई हो जाएगा। और गाइज हमने यहाँ एक चीज़ अभी कैलकुलेट की थी कि जो ये वाला हमारा कॉम्पोनेंट आ रहा था एम जी का जो ये वाला कॉम्पोनेंट था ये आ रहा था हमारा एम जी कोस फाई, ठीक है। तो गाइस हमें पता है कि जो ये एम जी कोस फाई है ये किसी एक चीज़ के इक्वल होगा, वो होगा नॉर्मल के इक्वल, क्योंकि गाइस जो ये प्लेन है ये वाला प्लेन है ये इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है रिएक्शन फोर्स, जिसे मैंने यहाँ नॉर्मल लिया, और ये हमारा जो नॉर्मल है किसके इक्वल होगा, एम जी कोस फाई के इक्वल होगा।
इसलिए गाइस आप आगे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एन की जगह पुट कर दिया है एम जी कोस फाई, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया है। यहाँ मैंने रख दिया है म्यू एस एम जी कोस फाई इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं कि जो एम जी से एम जी कट जाएगा और जो हमारा ये कोस फाई है यहाँ वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है म्यू एस इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन में कोस फाई, और हम जानते हैं कि जो साइन फाई अपॉन में कोस फाई किसके इक्वल हो जाएगा, टेन फाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा म्यू एस आ रहा है यानी कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, टेन फाई के इक्वल आ रहा है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड होगा गाइस टेन फाई। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज़।